अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम, आमिर साहब, शाहिद सिद्दीकी साहब, बाद साहब, हसीब साहब और महफिल जलसा खवातीन हजरात, आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं एक ऐसी शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। जो मुफक्किर भी थे, दानिश्वर भी थे, सियासतदान भी थे, दीनी रहनुमा भी थे और हिंदुस्तान में जदीद तर्ज तालीम के रहनुमा थे और अमीर कारवां थे। मौलाना आज़ाद के खिदमात के हवाले से बहुत सारी बातें की जाती हैं। बहुत चंद चीज़ें जो लोगों तक आती हैं वो जाहिर सी बात है, आप लोगों में से सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि UGC जब बनी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो वो उनका ब्रेन चाइल्ड था। और एक तहरीक जो आज हिंदुस्तान को एक पहचान दिलाती है आलमी सतह पे, जिसका नाम IIT मूवमेंट है, मैं उसको एक तहरीक की तरह से देखता हूँ, वो पहली तहरीक भी और वो तालीमी कारवां भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही शुरू किया है। मौलाना आज़ाद की जो फिक्र थी तालीम के हवाले से, उसमें एक चीज़ बहुत अहम थी, बहुत वाज़ह थी, बहुत साफ थी, वो ये थी कि इस्लामी निज़ाम तालीम और जदीद तर्ज तालीम, इन दोनों को मिला करके एक नई तर्ज तालीम पैदा की जाए जो दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से, दोनों एतबार से लोगों के लिए मुफीद हो और तारामद हो। यहाँ पे बातचीत की गई, गुफ्तगू की गई बहुत सारी चीज़ों पे, अंग्रेज़ी तर्ज तालीम पे कुछ ज़्यादा तवज्जो देने की बात कही गई है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने खुद अपनी मास्टर्स अंग्रेज़ी में की है और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी की क्या अहमियत है। तारीख पस मंज़र अगर बात करें तो ये अंग्रेज़ी जिसकी आज दुहाई दी जा रही है, सिर्फ 15 साल के लिए हिंदुस्तान में लिंगुआ फ्रैंका बनाई गई थी, जब तक कि हिंदी या हिंदुस्तानी जबान उस जगह नहीं पहुंच जाए जहां पे दूसरी उस अंग्रेज़ी को हटाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी की अहमियत थी, अंग्रेज़ी की ताकत थी, अंग्रेज़ी की ये ज़रूरत थी कि 15 साल का वो वक्फा कब गुजर गया किसी को पता नहीं चला और हम आज़ादी के 36वें साल में हैं और अभी भी अंग्रेज़ी हमारे ऊपर खाने है। अफसोस की बात है, लेकिन इसके साथ इत्मीनान की भी बात है कि कम से कम वो एक ज़बान हमारे पास ऐसी है जिसमें, जैसा कि जस्टिस सुहेल सिद्दीकी ने कहा कि 80% जो लिटरेचर, 80% जो चीज़ें हैं तालीम से, वो अंग्रेज़ी ज़बान में हैं। ये सही है, ये हकीकत है, लेकिन इससे ये कहीं पर भी एहसास नहीं होना चाहिए कि जो दूसरी ज़बानें हैं वो कहीं भी अंग्रेज़ी से कमतर या हैं और मदरसों की तालीम या उर्दू ज़बान से तालीम याफ्ता लोग कहीं भी कम हैं। हमेशा बात होती है अंग्रेज़ी को कहीं ना कहीं सबकत है दूसरी ज़बानों पे, ये जाहिर सी बात है, इसलिए है और उस वजह के ऊपर गौर करना चाहिए, ना सिर्फ इस बात पर जिक्र होना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए कि अंग्रेज़ी आज हर जगह से रेफरेंस है। क्यों है अंग्रेज़ी, क्यों नहीं है उर्दू, क्यों नहीं है दूसरी ज़बानें? यहाँ एक बात मैं बहुत अदब से अर्ज़ करना चाहूँगा अमीर साहब से कि अगर सिर्फ अंग्रेज़ी को ही हम मान लें तो ये बात याद रखिएगा कि अंग्रेज़ी कहीं अगर साउथ में है तो नॉर्थ में कम है, कहीं अगर नॉर्थ में है तो ईस्ट में बहुत कम है, और हर जगह वो उस तरह से उसका गलबा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। और हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अगर अंग्रेज़ी को आप पूरी तरह से अपने ऊपर गालिब कर लीजिएगा तो आप वो दिन भी याद कीजिए जब हिंदी को गालिब ना कर पाए और हिंदी के खिलाफ मूवमेंट पूरे साउथ में हुआ। इस मुल्क में किसी एक ज़बान की हुकूमत, एक ज़बान की बालादस्ती शायद मुमकिन नहीं है। कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि उस ज़बान को भी साथ रखें, उस ज़बान की अहमियत है और बहुत अहमियत है आज के माशरे में, और ख़ास करके रोज़गार के जो मौके हैं वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा हैं, जैसा मैं कह रहे थे वैसा साहब, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम उसे किसी पर सबकत ना देकर उसे भी एक साथ लेकर चलें, ये मुनासिब है, ना कि सिर्फ अंग्रेज़ी की ही गुनगान करें। मैंने उर्दू सहाफ़त की तरफ रुख किया, अंग्रेज़ी सहाफ़त से आया हूँ, अंग्रेज़ी मेरी ज़बान है जिसमें मैंने बचपन से ले करके जितनी भी मैंने मास्टर्स की हैं, वो चाहे मैनेजमेंट में हो या इंग्लिश लिटरेचर में हो, वो अंग्रेज़ी में की, लेकिन मैं उर्दू की तरफ आया हूँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है, हमेशा ये बात कही जाती है, हमेशा ये चीज़ें सामने आती हैं कि उर्दू ज़बान में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। मैं आज आपके सामने उर्दू अखबार के एक
ग्रुप एडिटर की हैसियत से हूँ। अंग्रेजी जबान में जब तक मैं सहाफत करता रहा मैं बैरूनी मुल्क रहा, यहाँ पे वो रिकॉग्निशन नहीं था जो मुझे आज उर्दू की वजह से मिलता है। मसला ये है कि जब आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी की बात करते हैं तो क्या वजूहात हैं इस पर गौर नहीं करते हैं। आज बात हो रही है कि हमें आला तालीम मिलनी चाहिए, मेरा मकसद यह है कि हमें पहले तालीम मिलनी चाहिए। जब आपको बुनियादी तालीम नहीं मिलेगी तो आपको आला तालीम नहीं मिल सकती है। वो एक सीढ़ी है, जो पहली सीढ़ी पे आप चढ़िएगा तभी अपनी मंजिल तक पहुंचिएगा। अब सीधे मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा तो कहीं ना कहीं फर्श पे आ गिरिएगा। और जब बुनियादी तालीम की हम बात करते हैं, मेरा ताल्लुक मदरसों से रहा है कि मदरसा हिंदुस्तान में तालीम का वो नेटवर्क है जहाँ हमारी सरकारें फेल होती हैं, जहाँ हमारी जदीद तर्ज तालीम नहीं पहुँच पाती है, जहाँ हम और आप सरकार को दोष देते हैं, कोसते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कोई भी अदारा नहीं है तालीम देने का, तो वहाँ पर मदरसा मौजूद होता है, वहाँ का कोई ना कोई मदरस होता है जो हमें और आपको तालीम देता है। इसकी अहमियत को आप कम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि मदरसे की जो तालीम है, जो इस्लामी निज़ाम तालीम है, उसको जदीद तर्ज तालीम के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, यहाँ जब ये बात होती है तो हमेशा ये बात होती है कि कहीं जदीद तर्ज तालीम के पीछे मदरसे का जो एक कल्चर है, उसकी जो तहजीब है, उसकी जो एक बुनियादी मकसद है, उसको कहीं मजरूह ना किया जाए। जाहिर सी बात है ये शक है, और जब हम किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी में होते हैं तो इस तरह के खदशात हमेशा बिल्कुल वाजिब होते हैं, उसके इकदाम हम कर सकते हैं, वो इकदाम नहीं होते। आज मदरसों की जो हालत है, फिर भी जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो पूरे तौर पे हिंदुस्तान में जो भी आज 56% और 57% मुसलमानों में जो बात की जाती है कि तालीम आई है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इन मदरसों से निकले हुए तालिबे इल्म का है जो उस फिगर को ऐड करते हैं जिसको हम बहुत फख्र से बयान करते हैं। आप उनकी तारीख और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भी कम करने की कोशिश ना करें, वो बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं हिंदुस्तान की तालीमी बेदारी के कारवां को आगे बढ़ाने में। मसला यह है कि जब हम बदहाली की बात करते हैं, मैं देख रहा था कि जब भी मैं किसी जलसे में जाता हूं तो बातचीत होती है तालीम के हवाले से। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी बदहाली का ये हाल है कि क्रिश्चियन जो सिर्फ 1% से कम है उनसे भी बुरी हालत है, जैन जो और कम है उनसे भी तालीमी पसमानदगी हमारी ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी पिछड़े हैं। सच्चे कमेटी ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया, वाजे कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुली। मसला क्या है मेरे दोस्तों? हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे बड़ा और बुनियादी मसला क्या है? 3 चीज़ों की तरफ जहन जाता है, तहफ़्फ़ुज़, तालीम और रोज़गार। तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप किसी के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका मुहाफिज अल्लाह है, आपको कोई ज़र्ब नहीं पहुंचा सकता। तालीम के लिए आपको खुद इकदाम करने होंगे, और जब तालीम याफ्ता आप होंगे तो रोज़गार आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा होगा। यानी सबसे बड़ी जो चीज़ है और सबसे बड़ी जो वक्त की ज़रूरत है वो तालीमी कारवां को आगे बढ़ाने की, हम उस तरफ रुजू नहीं हो पा रहे हैं। नतीजा ये है कि बड़े कॉलेजों की अगर बात करें, मेयारी तालीम की बात करें, 25 लड़कों में एक बच्चा या बच्ची मुसलमान होता है। हर 5 में से 3 बच्चा 4थी जमात तक जाने से पहले स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, स्कूल से वापस घर चला जाता है। नौकरियों के हवाले से बात करें, जब आपकी तालीम का ये हाल है तो नौकरी में आप क्या होंगे? अगर यूपीएससी से निकली हुई सारी नौकरी की बात करें, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, तो उसमें आपका क्या परसेंटेज है? आपको मालूम है 1% से भी कम है। आईएएस में थोड़ा बेहतर है, 2.5%। रोजगार का हाल क्या है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान की 15 लाख फौज में आपकी तादाद जो ऐसे हिंदुस्तान में तकरीबन 25 करोड़ है, 15 लाख की एक बड़ी फौज में आपकी शमूलियत सिर्फ 29,000 है, जो तकरीबन आधी है सिखों की तादाद से, जिनकी टोटल तादाद 1 करोड़ है। आप कहाँ हैं? कभी इन पे भी गौर कीजिए। तालीम की बात हुई, जैसे सुहेल साहब ने वीमेंस एजुकेशन की बात की,
बिल्कुल सही है, इसलिए कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तालीम के साथ साथ तरबियत का होना भी ज़रूरी है। अगर हम एक बच्चे को तालीम देते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान तक ही महदूद रहे, लेकिन अगर एक औरत को हम तालीम देते हैं तो वो अपने बच्चों को तरबियत देती है और एक नए माशरे को जन्म देती है। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ मैं देखता हूँ कि अगर 500 लोग हैं तो शायद 2-4-5 पाती हैं। हमने आज भी उन्हें कहीं ना कहीं बंद कमरों में रखा है, तालीम की रोशनी से उनको दूर रखा है। और अगर उसके तारीखी पस मंजर को देखें, उसकी सामाजिक पस मंजर को देखें, तो ये बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि जब हम पैट्रियार्की सोसाइटी में होते हैं, पुरुष प्रधान सोसाइटी में होते हैं जहां मर्दों की बाल दस्ती होती है, उन मुल्कों में उन माशरे में इस तरह की चीज़ें बहुत आम होती हैं। हमें अपने जहनों को बदलना होगा अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों में तालीमी बेदारी आए और उनके बच्चे और उनकी बच्चियां स्कूल जाएं, तो ये चीज़ अपने घरों से शुरू करनी होगी और अपने माँ बेटियों को, बहनों को, बच्चों को स्कूल की तरफ रुझू करना होगा। दूसरी बात ये कि जब मुसलमानों के मसले की बात होती है तो तालीम का मसला सैर फहरिस्त नहीं होता है। मैं जहाँ जाता हूँ, जिस जमात में जाता हूँ, कल मैं मुजफ्फरनगर में था तो वहाँ भी जब बात हुई तो एक बहुत ही नौजवान से बच्चे ने आके कहा कि ये इस तरह का जो वाकया होता है, मुजफ्फरनगर का सानिया होता है या इस तरह का सानिया होता है, उससे कैसे निपटा जाए। मुझे उम्मीद थी कि वह नौजवान मुझसे कोई तालीम की बात करे। ये जहनों की अक्कासी करता है, जहनों में छुपे हुए दर्द और कर्ब की अक्कासी करता है। इस तरह की सोच हमें क्यों आई, जाहिर सी बात है 66 साल में जिस तरह के माहौल हिंदुस्तान में बने हैं उसमें इस तरह के सवालात भी बहुत लाजमी और फितरी है। लेकिन वक्त आ गया है मेरे दोस्तों कि हम सिर्फ सरकारों को दोष ना देकर, उनके ऊपर इल्जाम तराशी ना करके अपने गिरेबान में भी जाके और देखें कि 66 साल में हमने क्या किया है, हमने 66 साल में कौन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा किया है, हमने 66 सालों में कौन से जौहर बरादरान पैदा किए हैं, हमने 66 साल में कौन हकीम अजमल खान पैदा किए हैं, कौन हमने सर सैयद अहमद खान पैदा किए हैं। हम नहीं कर पाए, जो तहरीकें चल रही थी वो नेस्तनाबूद हो गई। ठीक है, इस बात से भी किसी को इनकार नहीं है जिन लोगों ने तारीख का मुताला किया है कि जिस तरह के हालात हिंदुस्तान में मुल्क की तकसीम के बाद पैदा हुए, मुसलमानों की बदहाली हुई। अभी यहाँ पे जिक्र हुआ कि साउथ में हालात बेहतर हैं, बिल्कुल सही है, साउथ में हालात बेहतर हैं, लेकिन उसका भी एक तारीख पस मंजर है कि साउथ से इंकलाब करने वालों की तादाद बहुत कम थी और जो तकसीम हुआ मुल्क का, वह यहाँ से जो लोग मुंतकिल होके गए, मुहाजिर होके गए, वो इसी खत्ते के लोग हैं। जो हमारा क्रीम था वो सरहद के उस पार चला है, वो भी एक तारीखी पस मंजर है, उस पर भी नजर डालनी चाहिए। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग यहाँ इस तरफ रहने वाले लोग में तालीम बेदारी नहीं है, लेकिन वो जो लोग थे वो पहले वहां मुंतकिल। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बातचीत होने की जरूरत है। जब आप अखबार के हवाले से बात करते हैं, मैंने जब जिम्मेदारी संभाली राष्ट्रीय सहारा की, तो जब मैंने दूसरे अखबारों का भी तजिया किया तो ये देखा कि अखबारों में भी तालीम के हवाले से बहुत बातचीत नहीं होती है। कोई करियर काउंसलिंग की बात नहीं होती है, कोई एजुकेशन को फ्रोग देने की बात नहीं होती है। अखबारों को खास करके मैं उर्दू अखबारों के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर उर्दू अखबार में इश्तियालंगेजी होती है, कौम और मिल्लत को उकसाने की बात होती है, कौम और मिल्लत को तोड़ने की बात होती है, चाहे मसलकी इस पे हो या अपना जो फिक्र और नजरिया है उसके बिना पे हो। लेकिन तामीरी बातों पे अखबारों में बहुत ज्यादा बहस नहीं होती है। आप हिंदुस्तान का कोई भी इलाकाई या सूबाई उर्दू अखबार उठा करके देखें, आपको यही सूरत हाल दिखेगी। जब मैंने जिम्मेदारी संभाली राष्ट्रीय सहारा में तो मैंने इस तरफ कोशिश की कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा की जाए कि तालीमी बेदारी में जितना कुछ हम लोग कर सकते हैं अखबार के हवाले से वो करने की कोशिश करें। हमने एक सफ़ा शुरू किया करियर काउंसलिंग का, एजुकेशन का, ताकि मुसलमानों को और खास करके ख्वातीन को, इसलिए कि ये जहन में रखिए कि हमारे घर में आज भी औरतें ज़्यादातर, मैं जिस तबके को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ औरतें उर्दू का अखबार, उर्दू का पर्चा ही पढ़ती हैं। उन तक जदीद तर्ज तालीम में क्या हो रहा है, इंटरनेट पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, गूगल में क्या हो रहा है, ट्विटर में किस तरह से हम फायदेमंद हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को उर्दू जबान में पहुंचाने की कोशिश की। आर्टिकल 21 का जिक्र हुआ, आर्टिकल 21 बहुत वजाहत के साथ ये बात कही गई है कि तब तक आप एक अच्छा और
मुस्तहकम मुआशरा नहीं बना सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन आइन की बात कर रहा हूँ, जब तक आप हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान को उसकी मादरी जबान में तालीम मुहैया नहीं। बहुत साफ है, आर्टिकल 21 है, बाद में आर्टिकल 21 ए आया, आर्टिकल 21 बी आया इसी मौजूद, लेकिन ये ऐसा हो ना सका। चलिए नहीं हो सका, हम अंग्रेजी जबान में तालीम हासिल करें, लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? क्रिश्चियंस की बात आती है, जैन की बात आती है, आप देखिए आज भी आपके शहर में या दिगर शहरों में आप जाएं, जो सबसे अच्छा स्कूल होता है वो क्रिश्चियन मिशनरी का होता है। क्यों होता है? कभी इस पर गौर किया? और बहुत अदब और एहतराम के साथ हमारे और आपके बच्चों के स्कूलों में जाते हैं, इसलिए कि वो बेहतरीन तालीमी इदारे हैं, हम नहीं बना पाए। हमने बेहतरीन मदरसे जरूर कायम किए हिंदुस्तान में, चाहे देवबंद हो या दूसरे मदरसे हो, चाहे नदवा हो, लेकिन उससे सबक लेकर के उसी तर्ज पे